नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वार्ता केंद्रित है शुक्र ने 9 सितंबर 2019 में मध्य रात्रि राशि परिवर्तन सिंह राशि से कन्या राशि में कर लिया है। ये शुक्र का नीच का भाव है। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, शुक्र की भूमिका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष में शुक्र शुभ ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित है। यह स्त्री ग्रह है। इसका संबंध कला, सौंदर्य और प्रेम से होता है। यह वृष और तुला राशि का स्वामी है। वृष राशि आकर्षक व्यक्तित्व का प्रतीक है, वहीं तुला श्रेष्ठ और न्यायपूर्ण व्यवहार का घोतक है। शुभ स्थिति में होने पर जातक का चित्त शांत रहता है। शुक्र से प्रभावित जातक सुंदर, मोहक और मिल अनुसार किस्म का होता है। शुक्र का संबंध शुक्राचार्य से है। शुक्र का मूल उद्देश्य स्वयं भौतिकता से दूर रहते हुए विकास क्रम को नियमित रूप में संचालित करना है। ज्योतिष में शुक्र का प्रधान गुण इंद्रियों की तृप्ति मानी जाती है। व्यूअर्स, शुक्र मीन राशि में उच्च तथा कन्या राशि में नीच का होता है। बुध, शनि व केतु के साथ इनकी मित्रता है तो चंद्रमा, सूर्य व राहु के साथ इनकी शत्रुवत संबंध है। मंगल व बृहस्पति के साथ शुक्र का संबंध सामान्य है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। ये जन्म कुंडली में विवाह का कारक ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, विवाह, सौंदर्य, रति, क्रिया, कला, वाहन, व्यापार, मैथुन, संगीत इत्यादि का कारक ग्रह है। शुक्र ग्रह के साथ अन्य ग्रहों की युति से अनेक प्रकार के योग उत्पन्न होते हैं। जैसा कि 11 सितंबर को बुध भी कन्या राशि में शुक्र के साथ युति बनाएगा और नीच भंगा राजयोग उत्पन्न करेगा, जिससे कई राशियों को बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। शुक्र केंद्र में उच्च का होने पर मालवीय योग का निर्माण करता है। व्यूअर्स, शुक्र यदि खराब स्थिति में है तो जातक को अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष परेशानी में जाना पड़ता है। शरीर में स्थित किडनी का कारक ग्रह शुक्र है। इसी कारण यदि जन्म कुंडली में यह ग्रह अशुभ स्थिति में है या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो जातक की किडनी खराब हो सकती है। ये ग्रह अक्सर वीर्य गुप्त अंग से संबंधित बीमारी देता है। अतः जातक को चाहिए कि शुक्र से संबंधित मंत्र, पूजा, दान इत्यादि अवश्य करें। शुक्र ग्रह यदि अनुकूल स्थिति में है तो व्यक्ति को भौतिक सुख प्रदान करता है। जातक सुखमय दाम्पत्य जीवन की पराकाष्ठा का अनुभव करता है और निरंतर उसके वैवाहिक जीवन प्रेम में एक शक्तिशाली रूप धारण करने की क्षमता आ जाती है। शुक्र के कारण परिवार, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति होती है। यदि शुक्र अशुभ भाव या अशुभ भाव का स्वामी होकर कुंडली में विराजमान है तो व्यक्ति को पारिवारिक कष्ट के साथ साथ मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा में कमी का अनुभव होता है। आइए व्यूअर्स, जानते हैं शुक्र का राशि परिवर्तन सिंह राशि से कन्या राशि में अपने नीच भाव में। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राशि को क्या उपाय लेने चाहिए जिससे उनको शुक्र का गोचर बहुत लाभदायक, फलदायक रहे। मेष राशि वाले जातकों को गाय को उबले हुए चावल खिलाना चाहिए, इससे उनका शुक्र काफ़ी बलवान रहेगा। वृष राशि वाले जातकों को महालक्ष्मी पर चावल की खीर चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले जातकों को सफ़ेद गाय को रोटी खिलाना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों को अपना शुक्र मजबूत करने के लिए
शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को महालक्ष्मी की कर्पूर जलाकर आरती करना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों को महालक्ष्मी पर गुलाब का फूल चढ़ाएं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों को गुलाब के फूल पर कर्पूर जलाकर महालक्ष्मी की आरती करें। वृश्चिक राशि, छत या बालकनी में सुगंधित तेल का दीपक जलाएं। धनु राशि, शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन चढ़ाकर मस्तक पर तिलक करें। मकर राशि, देवी मंदिर में मखाने की खीर चढ़ाएं। कुंभ राशि, शिवलिंग पर दही की लस्सी चढ़ाएं। मीन राशि, किसी सुहागन को गुलाबी कांच की चूड़ियां भेंट करें। व्यूअर्स, ये था कुछ शास्त्रीय उपाय प्रत्येक राशि के लिए अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए। जब भी शुक्र नीच में जाता है तो उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में दान पुण्य करने से जो शास्त्र में बताया गया है, शुक्र का जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होता है और समय अच्छा देखने को मिलता है। धन्यवाद व्यूअर्स, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।